Hello guys, I hope you all are fine. Myself Bhavin Shah from Sahas Institute of Commerce, your own personalized high-tech digital classes. FYBCOM mein account subject mein hamare unit number 4 hai accounting for non-profit organization ya non-trading concern. To ye is type ke organization hote hai jo ki profit earn karne ke liye kaam nahi karte hai. पर समाज में सोसाइटी में या उनके जो मेंबर्स होते हैं उनको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए काम करते हैं जिसके अंदर की आता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या तो जिम्नेशियम्स या तो गवर्नमेंट स्कूल्स या लाइब्रेरी या इवन साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप जो कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम नहीं करते हैं बट उनके जो भी मेंबर्स है उनको अच्छी क्वालिटी की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ये लोग काम करते हैं और इस यूनिट के सारे टॉपिक वाइज इन डेप्थ सेशन ऑलरेडी साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप पे अवेलेबल है आज के इस सेशन के अंदर मैं आपको इस यूनिट के सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाने वाला हूं जहां पे थ्योरी बेस्ड एमसीक्यू भी और कैलकुलेटिव एमसीक्यूज भी करवाने वाला हूं कैलकुलेटिव एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको बहुत ही ध्यान से समझ लेना और अगर दोस्तों आपने अभी तक साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप डाउनलोड नहीं की है या आपका जो भी नंबर है आपका नाम आपका नंबर आपके 12th के परसेंटेज मीडियम ऑफ स्टडी एंड योर एरिया ऑफ रेसिडेंस अगर वो आपने अभी भी रजिस्टर्ड नहीं करवाया है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके रजिस्टर्ड करवा दें ताकि जरूरी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे तो चलिए सबसे पहले हम लोग थियोरी बेस्ड एमसीक्यूज देखते हैं तो सबसे पहला Receipt in payment account records receipt and payments of कौन से नेचर की रिसिप्ट पेमेंट रिकॉर्ड करते हैं तो आपको पता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट जो होता है वो दो नेचर के होते हैं एक कैपिटल नेचर और एक रेवेन्यू नेचर अब रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट आपको याद हो तो उसके अंदर करंट ईयर में मिली हुई या करंट ईयर में पे की हुई सारी कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स रिकॉर्ड होती है चाहे फिर वो प्रीवियस ईयर की हो करंट ईयर की हो या नेक्स्ट ईयर की हो तो याद रखना है कि रिसिट पेमेंट अकाउंट में रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल नेचर की आइटम्स रिकॉर्ड होती है अगर इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके पूछता हूं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की रेवेन्यू आइटम्स ही रिकॉर्ड होती है ये चीज को ध्यान रखना इसको थोड़ा और डिटेल में बता दूं तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड पे सारे एक्सपेंस रिकॉर्ड होते हैं और क्रेडिट साइड पे सारी की सारी करंट ईयर की रेवेन्यू इनकम रिकॉर्ड होती है और अगर रिसिट पेमेंट अकाउंट की बात करें तो उसमें डेबिट साइड पे सारी की सारी कैश में मिली हुई रिसिट आती है जबकि क्रेडिट साइड पे सारे के सारे कैश में पेमेंट किए हैं वो सब रिकॉर्ड होते हैं उसके बाद एडमिशन फीस अब एडमिशन फीस कहे या एंट्रेंस फीस कहे शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटलाइज्ड या रेवेन्यू तो नॉर्मल लेवल पे अगर एग्जांपल में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो उसको रेवेन्यू नेचर का ट्रीट करेंगे एक्सेप्ट कि अगर वो एडमिशन फीस बहुत ज्यादा बड़ी है तो उसे कैपिटल ट्रीट हमें करना है और अगर एग्जांपल है तो एग्जांपल में आपको जिस तरह से कहा होगा उस तरह से ट्रीटमेंट दी जाती है उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट है लेगेसी लेगेसी क्या है तो ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी में हमने स्टडी किया था कि जब कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा विल के थ्रू यानी कि वसीयत के थ्रू कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को देता है तो वो एनपीओ के लिए वो अमाउंट जो उनको मिलती है उसे कहते हैं लेगेसी तो लेगेसी इज एडेड टू द कैपिटल फंड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे कैपिटल फंड में लेगेसी को एंटर किया जाता है The income and expenditure account begins with मतलब income and expenditure account की शुरुआत कहां से होती है तो income and expenditure account में starting में कोई balance नहीं होता है ना debit balance ना ही credit balance याद रखना पर अगर इसकी जगह पे receipt and payment account कहा हो तो उसकी शुरुआत opening cash या bank balance से हो सकती है या तो फिर बैंक ओवरड्राफ्ट से भी हो सकती है रिसिट पेमेंट अकाउंट की पर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करें तो उसका ओपनिंग बैलेंस कोई नहीं होता है हाँ क्लोजिंग बैलेंस जो आएगा उसको या तो हम सरप्लस कह सकते हैं या तो डेफिसिट अब सरप्लस किसे कहेंगे तो जब एक्सपेंस की कंपैरिजन में इनकम ज्यादा हो यानी कि एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस तो उसे कहेंगे सरप्लस जो कि कैपिटल फंड में ऐड कर दिया जाता है बाद में बैलेंस शीट में और अगर एक्सपेंसेस ज्यादा है इनकम की कंपैरिजन में तो उसे कहेंगे डेफिसिट जो कि बैलेंस शीट में से फिर कैपिटल फंड में से माइनस किया जाता है देन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ऑफ अ क्लब
अब कोई भी प्रॉफिट होता है दोस्तों तो वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। देखो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ही का है, पर अगर साइड पूछी होती तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। और अगर फिर से एक बार बता देता हूं, अगर आपने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए अपना नंबर रजिस्टर्ड नहीं करवाया है तो आज ही करवा दे ताकि सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलती रहे। और मैं जो आपको ये एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूं उससे आपको फायदा हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें। आपके जो कोई भी फीडबैक हो वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख के बताएं, और आपके जितने भी फ्रेंड्स FYBCOM में हो उन सब के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और एक्सीलेंट एजुकेशन हाईटेक सिस्टम पे लोवेस्ट फीस पे अवेल करना है तो आज ही गूगल प्ले स्टोर पे जाके साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को डाउनलोड करके अपने कोर्स को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सारा का सारा एजुकेशन आपके फिंगर टिप्स पे इजी वे पे मिल जाए। उसके बाद एक और देखते हैं एमसीक्यू थियोरी वाला। सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल मस्ट बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ। देखो ओल्ड मटेरियल मतलब आप स्क्रैप समझो, बंगार, तो स्क्रैप को बेच के जो भी इनकम होती है वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होती है। अब दोस्तों ये तो बहुत सिंपल है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या दिखाता है? तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट शोस ऑल कैश रिसिट एंड कैश पेमेंट, और वो भी याद रखना सभी कैपिटल नेचर का हो या रेवेन्यू नेचर का हो, प्रीवियस ईयर का हो, करंट ईयर का हो या फिर नेक्स्ट ईयर का हो, ये सारे के सारे कैश रिसिट या कैश पेमेंट रिसिट पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। देन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या रिकॉर्ड होता है, या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिवील्स, यहाँ पे रिवील्स का मतलब उसके रिजल्ट को क्या कहते हैं, तो हमने अभी डिस्कस किया था कि या तो सरप्लस कहेंगे या तो डेफिसिट कहेंगे, तो यहाँ पे यही कहा है कि सरप्लस और डेफिसिट। सरप्लस कब? जब इनकम ज्यादा हो, और डेफिसिट जब एक्सपेंस ज्यादा हो। अब यहाँ पे आगे बहुत सारे थ्योरी एमसीक्यू है, बट मैं ये यूट्यूब सेशन के लिए अब सीधा कुछ दो चार कैलकुलेटिव एमसीक्यूज भी समझा देता हूँ, फिर ये एमसीक्यूज के ऊपर हम बाद में वापस आएंगे। जो कि साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन के यूजर्स है या साहस क्लास के स्टूडेंट है उनको ये थ्योरी के और एमसीक्यूज की भी मैं प्रैक्टिस करवाने ही वाला हूं। तो चलिए कुछ कैलकुलेटिव एमसीक्यूज भी दिखा देता हूं, ध्यान से समझ लेना। सारे के सारे कैलकुलेशन में यहां पे मेरे डिजिटल बोर्ड पे करके दिखाऊंगा, आप लोग आपके कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो। इफ रुपीज 1500 वॉज आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब चुकावाना बाकी छे, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, वर्ष ने शुरुआत में जारे पण आवुं कीधुं, इन बिगिनिंग ऑफ द ईयर इट मीन्स कि ये लास्ट ईयर की बात चल रही है। फॉर टूवर्ड्स द सब्सक्रिप्शन रुपीज 10,000 इज रिसीव्ड ड्यूरिंग करंट ईयर, ये इस साल की बात हो रही है, विथ 2,500 स्टिल आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर मतलब करंट ईयर का है जो अभी भी आउटस्टैंडिंग है। और हमें पूछा क्या है, द अमाउंट टू बी टेकन टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सी अमाउंट रिकॉर्ड होगी? तो आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट याद रखना है, जिसके अंदर मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। अगर याद ना हो तो ऐप ओपन करके उसमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो सेशन रखा है वो देख ले, क्योंकि इस टाइप के एमसीक्यूज आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो देखो इसके अंदर करंट ईयर का जो भी होता है रेवेन्यू इनकम वो रिकॉर्ड होता है, प्रीवियस ईयर का हो या नेक्स्ट ईयर का हो उसको रिकॉर्ड नहीं करते, मतलब उसको माइनस करते हैं। तो यहां पे देखो ये 10,000 करंट ईयर का है, तो ये करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन मिला है वो 10,000 लिखेंगे, उसमें से जो प्रीवियस ईयर का हो या नेक्स्ट ईयर का हो उसे माइनस करेंगे। तो ये देखो 1500 ये लास्ट ईयर का है तो उसको माइनस करेंगे, माइनस लास्ट ईयर्स आउटस्टैंडिंग। हाँ लास्ट ईयर में प्री रिसीव्ड कहा होता तो वो करंट ईयर का होता, पर ये तो लास्ट ईयर में आउटस्टैंडिंग था मतलब लास्ट ईयर का ही है, तो उसको माइनस करेंगे। और ये जो 2500 है वो अभी भी आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर में, मतलब ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो प्लस आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का, तो उसे क्या करेंगे हम लोग, प्लस करेंगे। तो अब कैलकुलेटर के ऊपर देखो, यहां पे मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूं, 10,000 माइनस 1500 प्लस 2500, तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में 11,000 रुपीज रिकॉर्ड किए जाएंगे। ठीक है, आप भी इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। और अगर अभी भी आप साहस इंस्टीट्यूट के साथ नहीं जुड़े हैं तो साहस इंस्टीट्यूट आपको एक्सीलेंट एजुकेशन के लिए बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, तो उसका बेनिफिट आज ही लेके लोवेस्ट फीस पे दी बेस्ट एजुकेशन को एक्सपीरियंस करें, जहां पे आप हमारे फिजिकल क्लासरूम स्टडी प्रोग्राम के लिए ज्वाइन कर सकते हो, साहस ई क्लासेस जो कि वर्चुअल लाइव इंटरएक्टिव सेशंस होते हैं, जो कि कोई भी नॉर्मल ऑनलाइन लेक्चर्स आपने देखे होंगे उससे काफी अलग है,
और साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन तो आपके पास है ही। ये दो कोर्स में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स को एप्लीकेशन का एक्सेस हम लोग टोटली फ्री देते हैं, तो आप आज ही इसका बेनिफिट ले और अपने नॉलेज, रिजल्ट और करियर को टेरिफिक लेवल पे आगे बढ़ाइए। चलिए नेक्स्ट कुछ और एमसीक्यूज देख लेते हैं यूट्यूब के लिए। 1 lakh रिसीव्ड एज एन एन्युअल सब्सक्रिप्शन, आउट ऑफ दिस 20,000 इज ऑफ प्रीवियस ईयर। देखो 1 lakh मिला, उसमें से ये प्रीवियस ईयर का है, लास्ट ईयर का है, तो अभी मैंने कहा ना कि लास्ट ईयर का हो या नेक्स्ट ईयर का हो उसको तो कट कर देना पड़ेगा। वेर इज 10,000 इज रिसीवेबल, रिसीवेबल मतलब मिलना बाकी है एट द एंड ऑफ करंट ईयर, इस साल का है पर मिलना बाकी है, तो ये करंट ईयर का है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एड करना पड़ेगा। तो अब यहां पे मैंने वर्किंग लिख के ही रखा है ताकि टाइम हमारा कम जाए। तो देखो सबसे पहले तो 1 lakh रुपए का सब्सक्रिप्शन मिला है, उसमें से जो लास्ट ईयर का है जो कि हमें इस साल में मिला पर एक्चुअली में लास्ट ईयर का था, तो उसको माइनस कर देंगे। ये सब आप कैलकुलेटर पे ही कर सकते हो डायरेक्ट। और अभी भी करंट ईयर में 10,000 आउटस्टैंडिंग है तो उसको प्लस करेंगे, तो कैलकुलेटर पे आप यहां पे देखोगे तो 1 lakh माइनस 20,000 प्लस 10,000, तो अमाउंट क्या हो गई दोस्तों, 90,000। तो ये 90,000 ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए और देख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 5,000, 5,000 इस साल मिले। अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस, देखो एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, अगले साल का अभी एडवांस में मिला है तो एक्चुअली में वो तो अगले साल का है, अगले साल का है तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। एंड अमाउंट आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, करंट ईयर के अभी भी आउटस्टैंडिंग है मतलब है करंट ईयर का, मिलना बाकी है तो करंट ईयर का है तो हमें प्लस करना पड़ेगा। तो सीधा कैलकुलेटर पे आप बिना कैलकुलेट मींस कुछ नोट डाउन किए आप डायरेक्टली भी वर्किंग दिखा सकते हो। देखो 5,000 उसमें से 300 रुपए माइनस करेंगे और 400 रुपए प्लस कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, 5,100, यानी कि ऑप्शन बी। क्लियर हो रहा है? चलिए एक दो और अभी भी करवा देता हूं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 50,000, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, इस साल आउटस्टैंडिंग है तो इस साल का आउटस्टैंडिंग है तो इस साल में ऐड करना पड़ेगा। एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर की बात कही हो मतलब कि ये क्या है, लास्ट ईयर का है तो लास्ट ईयर का है तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो आप बिना कैलकुलेशन कुछ लिखे सीधा कैलकुलेटर पे वर्किंग कर सकते हो। देखो 50,000 उसमें 8,000 प्लस करने हैं क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर में, उसमें से 6,000 रुपए ईयर के बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग थे मतलब कि वो लास्ट ईयर के थे तो उसे माइनस कर देंगे तो भैया हमारा आंसर हो जाएगा 52,000। तो देखो ये 52,000 यानी कि ऑप्शन सी। क्लियर हो रहा है? चलिए एक और एमसीक्यूज देख लेते हैं। इफ इनकम इज 16,000 एंड द डेफिसिट डेबिटेड टू कैपिटल फंड इज 4,300, देन द एक्सपेंडिचर इज, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ध्यान से सोचो क्या कहा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको याद होना चाहिए। इनकम एक्सपेंडिचर में टोटल जो इनकम होती है यानी कि क्रेडिट साइड वो है 16,000 और डेफिसिट है, डेफिसिट कब होती है, जब एक्सपेंस ज्यादा हो इनकम की कंपैरिजन में, एक्सपेंस ज्यादा हो, कितना ज्यादा है 4,300, इनकम है 16,000 जबकि एक्सपेंस 16,000 में और 4,300 ज्यादा है तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, समझ में आ रहा है, इनकम 16,000, डेफिसिट है 4,300, डेफिसिट का मतलब एक्सपेंस का इनकम से ज्यादा होना, कितना ज्यादा है 4,300, एक्सपेंस ज्यादा है तो टोटल एक्सपेंस कितना हो जाएगा, तो देखो टोटल इनकम 16,000 प्लस एक्सपेंस कितना ज्यादा है 4,300 तो प्लस 4,300 तो टोटल एक्सपेंस हो गया, सॉरी यहां पे टोटल एक्सपेंडिचर हमारा हो जाएगा 20,300 यानी कि ऑप्शन ए सी। यहां पे कुछ भी चेंज भी कर सकते हैं दोस्तों, यहां पे आपको सरप्लस की जगह पे डेफिसिट पूछ दिया है या डेफिसिट की जगह पे सरप्लस कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है तो ये चेंज आपको ध्यान रखना है। और एक और भी करवा देता हूं, चलो इसी पेज पे है तो 10% इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अपियरिंग इन द रिसीट साइड 7,000। देखो 10% के हिसाब से इंटरेस्ट की अमाउंट है 7,000 रुपए तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होगी, अभी दोस्तों ये तो बहुत सिंपल है, 10% अमाउंट है 7,000 तो अब 10% मतलब कितने, 100 के 10%, तो 100 के 10% आप करते हो तो वो 10 रुपीज हो जाते हैं। तो यहां पे आप सिंपल स्टेप रख रहे हो कि 10 रुपीज इंटरेस्ट है
तो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 100 का, तो 7000 इंटरेस्ट है, तो इन्वेस्टमेंट कितना, या तो 10% है तो सिंपली एक जीरो ही ऐड करना है। बट फिर भी यहां पे देखो, दिखा देता हूं, कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट को भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 7000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10, तो अमाउंट क्या हो गया दोस्तों, 70,000। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा 70,000। क्लियर हो रहा है? यहां पे दोस्तों ये सेशन मैं YouTube पे जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनके लिए खत्म कर रहा हूं, पर अभी भी जो हमारे साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स के स्टूडेंट है या साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन के यूजर्स हैं, उनको मैं और MCQ जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, थियोरी और कैलकुलेटिव दोनों की प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, तो उस सेशन को आगे आप लोगों को देखना है। और जो स्टूडेंट अभी भी साहस स्मार्ट स्टडीज से या साहस इंस्टीट्यूट से नहीं जुड़े हैं, वो आज ही, चाहे वो 11th 12th कॉमर्स के लिए हो, आपके फ्रेंड्स या भाई बहन कोई भी, या FY SY TY BCOM CA या CS के कोई भी लेवल के लिए आप एक्सीलेंट एजुकेशन लोवेस्ट फीस पे अवेल करना चाहते हैं, तो आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाके साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को डाउनलोड करके अपना अकाउंट फ्री में क्रिएट करें और नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए आप तुरंत सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि इस तरह के सारे एक्सीलेंट हाईटेक एजुकेशन आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, तो अब जो हमारे साहस इंस्टीट्यूट के साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप के स्टूडेंट हैं, उनके लिए हम लोग फिर से जो थियोरी वाले MCQs हैं वो देखते हैं और बाद में एक्स्ट्रा कैलकुलेटिव भी करते हैं, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से समझना। डोनेशन रिसीव्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, देखो ये इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए। अगर सिर्फ नॉर्मल लेवल पे डोनेशन मिलता है तो उसको हम लोग कैपिटल में ऐड करते हैं, बट यहां पे स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपको डोनेशन मिलता है तो वो सेपरेटली रिकॉर्ड होता है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे। तो देखो, सेपरेट अकाउंट ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। उसके अलावा इसमें और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी याद रखनी है दोस्तों, कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन मिला है तो उस पर्पस के लिए आप कोई भी एक्सपेंस करते हो तो वो एक्सपेंस P&L अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा, पर लायबिलिटी साइड पे इस फंड में से ही माइनस किया जाता है। और अगर ऐसा हो गया गलती से कि जो फंड मिला है उससे भी ये एक्सपेंस की अमाउंट ज्यादा हो गई, मतलब 1,00,000 का फंड मिला है और एक्सपेंस जो है 1,10,000 का हो गया, तो 10,000 और एक्स्ट्रा एक्सपेंस जो हो गया है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। तो इस चीजों को ध्यान से समझ के